बच्चों को अगर आप जेई बेस और नीट की तैयारी कर रहे हैं तो इंडक्टर वाले क्वेश्चन अक्सर आप देखते होंगे, लेकिन इंडक्टर के क्वेश्चन को करने में आपको प्रॉब्लम तभी आती है जब आप उसके ट्रिक को उसे कॉन्सेप्ट को अच्छे से नहीं समझते। लेकिन आज इस छोटे से वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि इंडक्टर के प्रॉब्लम को डील कैसे करते हैं। अच्छा, इंडक्टर करता क्या है? लेंजेस लॉ के सिस्टम पर काम करता है कि मतलब जब इसमें से करंट चल रही है तो ये करंट को जाने नहीं देता। दैट मींस व्हाट? कि अगर आप किसी भी इंडक्टर के साथ किसी बैटरी को देख रहे हैं और स्विच कनेक्टेड है, स्विच को जैसे ही हम टैप करते हैं तो इनिशियली टी इक्वल्स टू 0 टाइम पर आपका इंडक्टर एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, मतलब करंट को पास नहीं होने देता। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है ये बैटरी डोमिनेट करने लगती है, बिकॉज बैटरी तो बैटरी होती है यार। टी बराबर इनफिनिट टाइम पे ये इंडक्टर पूरी तरह से फुस हो जाता है और ये खुद को शॉर्ट सर्किट में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि पूरी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इसमें से पास होती है। अगर ये कॉन्सेप्ट चमका है बच्चा पार्टी, तो इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। अगर मैं जैसे ही की को टैप करूंगा तो टी बराबर 0 टाइम पर पूरा करंट ऊपर से पास आउट होगा, क्योंकि नीचे वाला तो क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। यानी आई इक्वल्स टू क्या लग जाएगा, वी डिवाइडेड बाय आर, मतलब वोल्टेज कितना है 30 एंड रेजिस्टेंस कितना है 1+1+1, बिकॉज ऑल दे आर इन सीरीज। तो आपका आंसर कितना हो गया 10 एम्पीयर। अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, एंड इसी तरीके की और इंटरेस्टिंग ट्रिक को सीखने के लिए हमेशा सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।